हुँ? बोलो बोलो अच्छा सिंपल हारमोनिक कंप्लीट हो गया था हम लोग कहा बच्चा हम लोग का पूरा हो गया था है ना चलो अब आते हैं बच्चा नेक्स्ट चैप्टर में है ना तो देख बच्चा हालांकि हम लोग इलास्टिसिटी का टॉपिक पढ़ लिए थे बेटा है ना लेकिन उसी में से जो उसी का सीट रहा होगा उसमें एक और टॉपिक है उसकी बात नहीं थे हम लोग है ना ठीक है बच्चा लेकिन तुम को विस्कोसिटी समझने में दिक्कत है इसलिए पहले फ्रूट मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं ठीक है बच्चा लास्ट बेटा कर लिया था हम लोगों ने है ना बोलो पहले फ्रूट कर लें हालांकि समझ में तो आ जाएगा हल्का सा इस्तेमाल आएगा प्रेशर इक्वल टू ओ जी एच ये तो पता ही है तुम लोग को पता है कि नहीं प्रेशर इक्वल टू रोजी पता है ना पता ही है तुम लोग को चलो फिर तो पहले इसको पढ़ लेते हैं चलो बेटा है ना आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल खत्म भी हो जाएगा ये देख बच्चा चलो इसको की बात करें ठीक है देख बेटा विस्कोसिटी की बात करें है ना तो देख बच्चा विस्कोसिटी जो प्रॉपर्टी है ये यह से पाया जाता है है ना विस्कोसिटी को में पाते हैं बेटा हम लोग है ना और ये प्रॉपर्टी कौन सी है प्रॉपर्टी कौन सी है तो कहोगे बेटा इसको तुम कह सकते हो लाइक फ्लूड फ्रिक्शन है ना बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चा फ्लूड में फ्रिक्शन कहेंगे है ना ठीक है जिस मान लो सॉलिड सरफेस में सॉलिड सरफेस में होता है ना बेटा फ्रिक्शन है ना वैसे ही समझो कि सॉलिड में जिस तरह से फ्रिक्शन होता है बेटा उसी तरह से लिक्विड में फ्रिक्शन होगा है ना लेकिन थोड़ा अंतर है ना बेटा ठीक है उस फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी को फ्रिक्शन जैसी प्रॉपर्टी जब डेवलप करेगा लिक्विड बेटा है ना तो उस प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं समझ गया ठीक है और जो फोर्स लगेगा उसका नाम होगा बेस्क फोर्स ठीक है जैसे मान लो दो उंगलियों को किसी लिक्विड में डुबा दो है ना बेटा दो उंगलियों को कोई लिक्विड में डुबा दो और ऐसे फील करो उसको है ना बेटा अगर उसको ऐसे फील करो अगर चिकनाहट सी हो रही है महसूस तो है ना बेटा इसका मतलब बेस्कोसिटी उसमें कम है, है ना और अगर रुखड़ापन हो रहा है महसूस बेटा इसका मतलब उसमें ज्यादा है झे बात ठीक है अच्छा वीडियो ब्लड आ रही है वीडियो ब्लड आ रही बच्चों वीडियो ब्लड नहीं है पढ़ने लायक है मुझे मुझे डेस्कटॉप पे दिख रहा है ब्लड अब ठीक हो गया अब ठीक हो गया वीडियो चल देखो बच्चा क्लियर <tles> तो है गुड देखो बेटा विस्कोसिटी क्या है फ्लूड फ्रिक्शन के जैसी चीज है ने ने? है ना बेटा है ना कहेंगे बेटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी कितना रुखणापान है बतलाता है है ना बेटा तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा टॉपिक इसका पहला हमारा टॉपिक है बेटा न्यूटन्स ऑफ विस्कोसिटी ठीक है लॉ विस्कोसिटी ये क्या कहता है देखो ये कहता है बेटा इमेजिन करो कि कोई भी एक लिक्विड है बच्चा कोई भी एक लिक्विड है है ना जो लिक्विड किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा है, है ना बेटा लिक्विड किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा है है ना बेटा तो देखो बेटा अगर ये लिक्विड अगर ये लिक्विड है, है ना? किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा होगा है ना बेटा तो बताओ यहाँ बहुत सारे बेटा लेयर्स होंगे ना इसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होंगे ना बच्चा तो बताओ इन सारे लेयर की वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी तो बच्चा इन सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम होती है या डिफरेंट होती है बेटा जैसे रिवर के फ्लो में कोई रिवर फ्लो हो रहा हो बेटा कोई रिवर फ्लो हो रहा हो है ना तो देखते हो ना पानी की धार सबसे ज्यादा कहां होती है बोलो टॉप पे होती है ना है ना बेटा सबसे ज्यादा पानी की धार बेटा होती है टॉप पे है ना ठीक है और जैसे ऐसे नीचे आते हो वैसे वैसे क्या होती है बेटा पानी की वेलासिटी पानी के बहाव की वेलासिटी घटती आती है ना बेटा समझा जैसे जैसे नीचे आओगे ना वैसे वैसे पानी के बहाव की स्पीड कम होगी है ना बेटा है ना देखते हो ना जो पानी के घरे में पॉइंट होगा एकदम घरे में पॉइंट होगा बेटा इसकी स्पीड टेंडिंग टू जीरो होगी है ना बेटा तो क्या कहोगे पहला पॉइंट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना बेटा जहां पे टच में होगा है ना बेटा है ना रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी इज जीरो है ना बच्चा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा कहां पे तो कहा ना एट सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट है ना बच्चा सॉलिड और लिक्विड का जहां पे कांटेक्ट है बेटा सॉलिड और लिक्विड का जहां कांटेक्ट है बेटा उस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी टेंडिंग टू जीरो होगी समझा बेटा है ना ठीक है अब देख बेटा यहां पे क्या होगा तो कहोगे लेयर्स लेयर्स ऑफ लिक्विड लेयर्स ऑफ लिक्विड है ना बेटा अप्लाई अप्लाई भिस्कोसिटी फो, बिस्कस फोर्स है ना बेटा बिजकस फोर्स है ना बेटा भिस्कस फोर्स अप्लाई करेगा है ना बेटा एज रजिस्टिव फोर्स जिस तरह के फ्रिक्शन एक विरोध करने वाला फोर्स है ना बेटा उसी तरह से बिस्कस फोर्स भी एक विरोधाभास करने वाला फोर्स होगा ठीक है बेटा है ना बात समझे ठीक है क्या कहोगे बेटा द लिक्विड लेयर द लिक्विड लेयर लिक्विड लेयर है ना बेटा

जो कॉन्टेक्ट में होगी उसकी स्पीड जीरो जो सबसे दूर होगा बेटा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा ठीक है समझा है ना अब अब हाँ पे एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं क्या डिफाइन कर रहे हैं देखो हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चा वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या कि देखो बेटा ऊपर से अगर तुम नीचे उतरोगे ऊपर से है ना बेटा अगर तुम नीचे उतरोगे ठीक है यहां से अगर नीचे उतरोगे एक मिनट रेड पर ले लो हम्म मान ले बच्चा अगर तुम यहां से वाई डिस्टेंस नीचे आए है ना बेटा और यहां तुम्हारी वेलोसिटी है वी है ना और जब तुम डी वाई और नीचे आए डी वाई और नीचे आए तो यहां की जो वेलोसिटी है ये लिखा मैंने v प्लस डीवी है ना बेटा वाई वाले की वेलोसिटी v और नीचे आने पे v प्लस डीवी है ना बेटा तो बताओ नीचे आने पे गहरे आने पे वेलोसिटी घटती है ना बेटा गहरे आने पे वेलोसिटी घटती है ना इसका मतलब क्या कहोगे कि dv अपॉन डी वाई चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट थिकनेस ऑफ लेयर है ना इसमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये घट रहा है बेटा यही हमारा है वेलोसिटी ग्रेडियंट इसी को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट ठीक है लिख लो इसको नोट कर ले बच्चा आकृति बोल रही है स्किन ब्लड है सुंदरम बोल बेटा हेलो हाँ बोलो हाँ सर नीचे जाने पे वेलोसिटी घटती है तो आपने v प्लस dv कैसे लिखा है तभी तो मैंने लिखा माइनस dv अपॉन dy माइनस सर पर वहां पे v माइनस dv होना चाहिए ना नहीं बेटा dv के साथ माइनस डिफाइन कभी नहीं होता हमेशा v के बाद v प्लस दी बोलेंगे है ना सर तो उसका मतलब तो वेलोसिटी में थोड़ा सा इंक्रीज ना हो रहा है ऐसे नहीं बोलते बच्चा जैसे कि मान लो अगर हम x डिस्टेंस जा चुके हैं और dx और जाएंगे है ना तो हमेशा हम लिखेंगे x dx हमेशा लिखेंगे हर बार यही लिखेंगे समझे यस लेकिन ऐसा हो सकता है कि x के बाद वैल्यू घट रही हो तो हम कहेंगे dx नेगेटिव है अच्छा ओके ओके ठीक समझे यस सर विद्यानिवास बोलो भाई सर ये विस्कोसिटी ये सर थिकनेस मतलब इससे रिलेट कर सकते हैं क्या लिक्विड के थिकनेस से बताया बेटा मैंने कहा ना अपनी दो उंगलियों को अंगूठे को और फर्स्ट फिंगर को और पानी में डुबा दो ठीक yes, है और उंगलियों को ऐसे घिसो आपस में है ना घिसने पे कोई लिक्विड रुखड़ापन होता है महसूस किसी में कम होता है रुखड़ापन होता है ना यस yes, सर तो जो रुखड़ापन महसूस करते हो ना वही हमारे क्या है हम्म हां सर ठीक थैंक यू ठीक है यस तो हम बोलो भाई सर मतलब आपने जब वो लास्ट पॉइंट के नीचे का जब पढ़ाया ना वो सिर्फ मुझे तब मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था सर मुझे सिर्फ एक बार वो समझा दीजिए ना प्लीज सबसे नीचे ऊपर से सेकंड पॉइंट हाँ लेयर फारदस्ट लेयर फारदस्ट फ्रॉम सॉलिड सरफेस जो लेयर सॉलिड सरफेस से सबसे ज्यादा दूरी पर होगी है ना बेटा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी है ना रिवर ऐसा ऑब्जर्वेशन है बेटा ऐसा हमारा नीचे का जैसे कोई रिवर फ्लो हो रहा होता है है ना तो बातें पानी में क्या देखते हो जो सबसे टॉप का लेयर होता है वहां पानी की धार सबसे आते होती है ना हम्म लग गई हां समझ गया वो वेलोसिटी ग्रेडिएंट वो तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट डेप्थ या पर यूनिट हाइट okay. ठीक है शिवम uh, गुड आफ्टरनून सर सर आपने जो तीन पॉइंट लिखा है सर उनके सिर्फ वर्ड टू वर्ड क्या मीनिंग वो सर एक बार बता देंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग सर मतलब कहना क्या चाह रही है वो लाइंस बेटा लिक्विड जब भी फ्लो होता है मान लो नीचे का सॉलिड सरफेस है Yes, रिवर फ्लो हो रहा है तो रिवर का बॉटम जो होगा ना बेटा yes, रिवर का जो बॉटम होगा वो तो होगा सॉलिड yes, तो हो हो तो जो, जो परस होती है वो सबसे ज्यादा धार होती है उसमें होती है ना yes, और जैसे जैसे घर जाते हैं वैसे वैसे, वैसे, वैसे वेलोसिटी घटती जाती है फ्लो करने की वेलासिटी है वही दिखा मैंने पहला पॉइंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट

सर एक क्वेश्चन है सर रोटेशनल मैकेनिक्स का एचसीवी में सर हाँ? वो मैं बोलूं सर आप मुझे समझा दोगे क्या सर so, मुझे जो डाउट है सर बोलो सर क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 किलोग्राम इस्केपड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस इन कांटेक्ट इज 2/7

ओके सर देखिए सेम मान लो आगे फोर्स लगा देंगे तो फ्रिक्शन yes, पीछे मान लो मान लो स्टैटिक है सॉल्व करोगे तो फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा है ना ये हमारे सीट में नो क्लास नोट्स में तेरा होगा एग्जांपल ये देखना ओके सर ठीक है थैंक यू सर देखो बेटा कहता है यर्डंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी सेज दैट कि विस्कस फोर्स विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया जो लेयर्स का आपस में कांटेक्ट है बेटा है ना पर यूनिट एरिया ऑफ कांटेक्ट, जो कांटेक्ट का एरिया है बेटा है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समझे बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके प्रोपोर्शनल है टू टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा होगा इसका मतलब और ये है, है ना बेटा ये दो लेयर आपस में कांटेक्ट में है इस वाले की वेलोसिटी भी और इस वाले की वी प्लस डीवी है ना बेटा है ना तो ये दोनों लेयर एक दूसरे पे बिस्कस फोर्स लगाएंगे बेटा है ना तो चलो इस पे अगर विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा तो इस पे विस्कस फोर्स ऐसे लगेगा है ना बेटा और जो आपस का लेयर में कॉन्टेक्ट का एरिया है बेटा है ना वो एरिया भी इंपॉर्टेंट है क्या कहता है यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट माइनस डीवी अपॉन डीवाई ठीक है बेटा तो जब हम लोग यहाँ पे इक्वल टू करेंगे ना इक्वल टू करेंगे तो एक आएगा कांस्टेंट ईटा ईटा डीबी अपॉन ईटा माइनस डीबी अपॉन डी वाई ठीक है बेटा जो क्या है बच्चा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी बिस्कोसिटीड जिस लिक्विड की तुम बात कर रहे हो है ना बेटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ये हर लिक्विड का अपना अलग अलग वैल्यू होगा है ना कोई लिक्विड में ज्यादा लुखड़ापन फील करते हो कहीं कम लुखड़ापन फील करते हो बेटा तो म्यू की वैल्यू कॉफी इटा की वैल्यू डिफरेंट लिक्विड के लिए अलग अलग होगी जैसे हर लिक्विड का डेंसिटी अलग अलग होता है ना बच्चा है ना उसी तरह से हर लिक्विड का काफिशियंट और विस्कोसिटी भी अलग अलग होता है ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है ना बेटा तो यहां से क्या फॉर्मूला हो गया तो कहेंगे बेटा विस्कस फोर का फॉर्मूला हो गया ए माइनस डी बी अपॉन डी वाई ठीक है बच्चा बात समझा लिख ले बच्चा यस yes, बच्चा ये लोग लिक्विड की प्रॉपर्टी है प्रांजल बोलो हेलो बोलो बेटा सर एक बार वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दीजिए वापस सर वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है बेटा कि जितने जितने नीचे जाएंगे वैसे वैसे, वैसे वेलोसिटी घटती जाएगी है ना तो एक सेंटीमीटर जाने से वेलोसिटी कितनी घट जाएगी है ना यही हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है समझा लैपलेस डेमोन बोलो भाई बोलो बच्चा सर ये जो वेलोसिटी है ये अगर अपन नीचे आता है तो ये क्या ये लिनियरली डिक्रीज होती है क्या नहीं नॉट नहीं है सर ये पैराबोलिक प्रोफाइल भी होता है ये हाइपरबोलिक प्रोफाइल भी होता है वो डिपेंड करता है लिक्विड है बेटा हाँ बस ये पूछना सर ओके बेटा देख बेटा फॉर थिन लेयर ऑफ लिक्विड है ना अगर लिक्विड की थिकनेस बहुत कम हो है ना फॉर थिन लेयर ऑफ लिक्विड है ना लिक्विड की जो लेयर हो ये बहुत पतली हो है ना क्या कहना कि माइनस डी वी डी वाई, माइनस डीबी अपॉन वाई, इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन बाय वाई टू माइनस वी वन का मॉड, समझा जैसे कि एक लेयर ये लिया और एक लेना बेटा एक ले एक लेना बेटा इसकी वेलासिटी वी टू इसकी वेलासिटी बेटा ठीक है तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया ोगे v2 टू माइनस बी वन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी है ना डिवाइड बाई इसके बीच की दूरी जो लेयर का थिकनेस है बेटा लेकिन तभी करना जब कंफर्म तुम हो कि ये थिकनेस बहुत कम है है ना ठीक है बच्चा ऐसा यूनिट यूनिट जो होती है बेटा किसका ऑफ कोफिशियंट ऑफ बिस्कोसिटी क्या होगा देखो ये होगा ना बेटा न्यूटन और ये हो गया मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और यहां बचेगा सेकेंड तो क्या होगा ये होगा न्यूटन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है ना बेटा न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ठीक है और दूसरी बात इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी है बेटा इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट है है ना क्या है इज पॉइज़ है ना बेटा आम बॉल चाल की भाषा में है ना बेटा लिक्विड को अगर कमर्शियल लिक्विड खरीदोगे तो पूछे कितने बिस्कोसिटी का चाहिए तो हम पॉइज बताएंगे है ना क्या बात कहेंगे तो कहेंगे बेटा वन पॉइज वन पॉइज इक्वल टू होता है जीरो पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ठीक है बच्चा लिख लो इसको ठीक है बेटा कहता है ए लिक्विड ऑफ ऑफ विस्कोसिटी इज स्प्रेड ऑन ए फैला हुआ है है ना और कितनी देखो उसकी मोटाई सिर्फ पांच मिलीमीटर mm है पांच मिलीमीटर mm मतलब इतना सा हुआ इतना मोटा मान लो एक लिक्विड का लेयर जमीन फैला हुआ है ठीक है बेटा अब कहता है नाउ नाउ थिन लाइट सीट ऑफ पेपर है ना बेटा एक पतला सा पेपर पतला सा पेपर है ना बेटा देखो साइज क्या साइज का है साइज है बेटा इसका 200 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर लंबा और 100 सेंटीमीटर चौड़ा है ना इज इज प्लेस्ड ऑन इट ठीक है जमीन पे फैला दिए जमीन पे से अखबार फैलाते हो ना वैसे ही फैला दिए है ना बेटा लेकिन जमीन पे तो लिक्विड है तो अखबार और जमीन के बीच में लिक्विड आ गया आधे मिलीमीटर का है ना बेटा अब कहता है निस सीट इस सीट को पेपर के सीट को है ना बेटा इज इस पुल्ड इसको खींचा गया Pulled, is pulled, parallel, है ना बेटा पुल्ड टेंजेंसी अली इज पुल्ड टेंजेंसी सरफेस के पैरल है ना विथ कॉन्स्टेंट स्पीड विथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड है ना बेटा कॉन्स्टेंट स्पीड से खींच रहे हो कितनी तो दो मीटर पर सेकेंड दो मीटर पर सेकेंड से खींच रहे हैं ना बेटा तो सवाल क्या था फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड है ना बेटा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा तो मैं डागराम देखो मैं डायग्राम बना देता हूं देखो बच्चा डायग्राम देखो डायग्राम कहता है कि मान लो एक लिक्विड का लेयर मान लो एक पांच मिलीमीटर mm के लिक्विड का लेयर ठीक है बच्चा पांच मिलीमीटर mm के लिक्विड का एक लेयर मानो ऐसा है ना बेटा बहुत पतला लिक्विड है ये कितना है ये मात्र पांच मिलीमीटर तो है ना बेटा बहुत छोटा है ना अच्छा ये हमारा लिक्विड है ठीक अब कहता है नीचे हमारी हो गई बेटा जमीन नीचे हो गई बेटा जमीन ठीक है अब आता इसके ऊपर एक कागज फैला दो इसके ऊपर एक कागज फैला दो है ना और इस कागज को यहां से ऐसे खींचो विथ ए फोर्स एफ है ना तो इतने स्पीड से खींचने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी चलो बनाओ हर्षित का आंसर नहीं आकृति ठीक है बच्चा स्क्रीन ध्रुव को डाउट है बोलो ध्रुव क्या दिक्कत थोड़ा तो थोड़ा नेट में प्रॉब्लम था आप थोड़ा थिन थोड़ा थिन लेयर से सकते हो आप इससे फिर से बोलना सर तो फॉर थिन लेयर से समझा सकते हो थोड़ा सा अगर लेयर बहुत बड़ा अगर db अपॉन dy क्या है तो कह लो कि by ग्राफ का स्लोप बोलेंगे बेटा ऐसा by का ग्राफ चे. अगर हो तो उस ग्राफ के जो स्लोप होगा बेटा वही कहलाएगा क्या दीवी दीवी दीवा दीवा है दीवा। ना ना समझते हो हाँ तो अब बताओ अगर हम बहुत छोटा सा ग्राफ का हिस्सा लें ग्राफ का अगर हम कोई बहुत छोटा हिस्सा लें है ना बेटा तो क्या ये 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 उसको मान सकते हैं स्टेट लाइन मान लो बी वाई ग्राफ अगर हो है ना बेटा ऐसा ग्राफ हो लेकिन बहुत छोटा सा हिस्सा लो इसको मान सकते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन जी सर तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा इसका स्लोप क्या होगा तो कहोगे इसका स्लोप होगा ये हाइट है ना बेटा और ये थिकनेस वेलोसिटी yes हाँ। का डिफरेंस बाई वाई का डिफरेंस समझ गए और सर वो ऐसा यूनिट उसे क्या लिखा है आपने न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ओके सर ठीक है बच्चा उसे ऊपर से निकाल लिया चलो तो मैं करता हूं आंसर मैच करना बच्चों बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया देखते बच्चे ध्यान से तो बोलो बेटा ऊपर वाले लेयर को देखो और नीचे वाले लेयर को देखो ऊपर वाले कितनी वेलोसिटी है तो क्वेश्चन में कहा था कि तुम इसको दो मीटर पर सेकंड से खींचोगे इसका मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया तो कहना इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस तो ऊपर में टू नीचे में जीरो टू माइनस जीरो है ना बेटा और मोटाई कितनी है बोलो पांच मिलीमीटर फाइव इंटू टेन पावर माइनस थ्री है ना बच्चा तो कितना हो गया ये हो गया बेटा फोर हंड्रेड सेकेंड इनवर्स ठीक है अब देखो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा सॉरी कोफिशियंट विस्कोसिटी कितना है बेटा इसमें तो कहता है जीरो पॉइंट वन सॉरी जीरो पॉइंट टू पॉइस जीरो पॉइंट टू पॉइस है ना बेटा इसका मतलब जीरो पॉइंट टू इंटू जीरो पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इसका मतलब हो गया बच्चा टू इंटू टेन टू दावर टू न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर ठीक है बेटा एरिया देखो एरिया लिखा है दो सेंटीमीटर दो सौ सेंटीमीटर का मतलब दो मीटर है ना बेटा और 100 सेंटीमीटर मतलब एक तो दो मीटर स्क्वायर है ना बेटा अब देखो हमें जो फोर्स लगाना पड़ रहा है है ना और वेलोसिटी हमारी बेटा कांस्टेंट इसका मतलब हमारा फोर्स और यहां से लगने वाला विस्कस फोर्स ये बराबर होना चाहिए बोलो बेटा तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और ये कितना होगा ईटा ए डीवी अपॉन डीवाई माइनस साइन है ना बेटा कितना हो जाएगा देखो हमारा हो गया टू टेन पावर माइनस टू है ना बेटा एरिया हमारा हो गया टू डीवी अपॉन अपन डी हो गया चार सौ दो जीरो कैंसिल हो गया तो इतना हो गया बेटा सिक्सटीन न्यूटन बोलो बेटा इतना फोर्स लगेगा बेटा ठीक है बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया बेटा एरिया ऑफ पेपर है <coughs> देखो बेटा अगला सवाल अगला सवाल यह है कि अगला सवाल यह है बेटा कि मान लो एक ये सरफेस है ना बेटा एक ये सरफेस मान लो ठीक और एक और सरफेस मान लो है ना ये दो सरफेस मान लो ये दोनों सरफेस बेटा फिक्स्ड है ये दोनों सरफेस फिक्स्ड है बहुत बड़े सरफेस हैं ये बहुत बड़े सरफेस हैं है ना बेटा और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है इसमें कोई लिक्विड भरा है बेटा ठीक है और जो लिक्विड है इसका कोफिसियंट ऑफ विस्कोसिटी दिया है वन पॉइज ठीक है है ना अब कहता है इसके अंदर एक सीट डाल दो ठीक है इसके अंदर एक सीट डाल दो ऐसे ठीक बच्चा ये सीट डाल दिया है ना? ठीक और सीट के बारे में क्या लिखा है सीट का जो साइज है बेटा ये ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू फोर्टी सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर गुना चालीस सेंटीमीटर है ना और ये जो हमारी इसकी हाइट है बेटा ये जो हाइट है ये है दो मिलीमीटर mm की ठीक है बेटा और जो ऊपर से हाइट है है ना और जो पूरी दूरी इसके बीच में है ये पूरी दूरी जो हमारी है बेटा ये है छह मिलीमीटर mm. है ना तो अब कहता है बताओ कि इसको मुझे अगर आगे खींचना है एफ है ना कहेंगे सीट इज पुल्ड सीट इज पुल्ड है ना बेटा उसको खींचा ठीक विथ वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड है ना कैसा तो कहना है कॉन्स्टेंट वेलासिटी है ना फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड कितना फोर्स चाहिए बनाओ बना बच्चा ब्लड दिख रहा है, है आकृति दो ही लोग का मैसेज आ रहा है ब्लड के लिए बेटिया वीडियो ब्लड नहीं है बच्चा हर्षित राय का आंसर आ गया

किसी का सौ है किसी का दो सौ है किसी का चार सौ है देख बच्चा देखो बेटा फोर्स इस बार ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा बोलो बेटा लगेगा ना ठीक है ना देखो बच्चा अगर तुम इस पेपर खींचोगे इस पेपर खींचोगे बेटा है ना फोर्स लगाओगे तो यहां से फोर्स ऊपर से भी आएगा बेटा फेस फ्रॉम अपसाइड और फोर्स नीचे से भी आएगा ए फ्रॉम डाउन साइड है ना बेटा तो अगर तुम बात करते हो अपर पार्ट के लिए अपर सरफेस के लिए है ना बच्चा तो अपर सरफेस के लिए क्या हो जाएगा फोर्स यू इक्वल टू ईटा ईटा कितना बेटा पॉइंट वन है ना बेटा इसका एरिया एरिया लिखो कितना होगा बेटा एरिया एट हंड्रेड टेन पावर माइनस फोर दोनों को मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया इन टू डी अपॉन डीवाई पांच मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो ये फाइव और ये जीरो तो फाइव माइनस जीरो बाई ये सिक्स मिलीमीटर mm तो ये हो गया फोर मिलीमीटर फोर इंटू टेन पावर माइनस थ्री है ना बेटा तो कितना हो गया देखो हो जाएगा से टू कैंसिल फाइव फिर हो गया बच्चा टेन न्यूटन है ना अब देखो बेटा लोअर साइड अब देखो बेटा लोअर साइड में F equal to, हो पॉइंट वन एरिया फिर से वही है ना बेटा ठीक ये हो गया फाइव माइनस जीरो लेकिन बेटा नीचे का थिकनेस है दो mm. मिलीमीटर तो कितना हो जाएगा देखो ये हो जाएगा बच्चा ट्वेंटी न्यूटन है ना तो नेट फोर्स कितना होगा बेटा नेट फोर्स जाएगा हमारा टेन प्लस ट्वेंटी इक्वल टू थर्टी न्यूटन बोलो बेटा समझे ठीक है ना विस्कस फोर्स ऊपर से भी लगेगा बच्चा नीचे से भी लगेगा है ना कर ले बच्चा टेन की पावर माइनस फोर इसलिए बेटा क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया सेंटीमीटर को बेटा मीटर में चेंज कर दिया इसलिए लिख ले बच्चा और मिलीमीटर को चेंज किया मीटर में इसलिए माइनस थ्री ये दो मिलीमीटर थिकनेस देख बेटा अगला सवाल अगला सवाल ये है कि मान लो एक सिलेंड्रिकल सरफेस है बेटा मान लो एक पाइप है यू सोचो बेटा एक पाइप हो एक मोटा पाइप है बेटा एक मोटा पाइप है है ना इस पाइप है मोटा पाइप बहुत लंबा पाइप और इस पाइप का बच्चा जो डायमीटर है ये डायमीटर है 204 मिलीमीटर 204 मिलीमीटर डायमीटर इसका है, है ना और इसके अंदर लिक्विड का लेयर लगाया हुआ है है ना बेटा इसके अंदर क्या है एक लिक्विड का लेयर लगा है है ना बेटा और जो लिक्विड का लेयर लगा है जिसको तुम ग्रीसिंग ग्रीसिंग बोलते हो है ना बेटा इनर सरफेस को ग्रीस किया हुआ है ना और हमने क्या किया इसमें एक सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर है ना बेटा एक सॉलिड सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर को ऐसे रख के छोड़ दिया है ना ये सॉलिड सिलेंडर मान लो हमारा ट्वेंटी के जी का है है ना और इसका जो डायमीटर है बेटा इसका डायमीटर है दो सौ मिलीमीटर का है ना रख के छोड़ दोगे है ना तो कहोगे और लंबाई इसकी है बेटा बीस सेंटीमीटर लंबाई इसकी है बेटा बीस सेंटीमीटर की है ना उसको रख के छोड़ दिया ठीक है तो सवाल करता बेटा इफ

उसकी हमारे दी है कोफिसियंट ऑफ़ बिस्कोसिटी कहता है बेटा फाइंड फाइंड मैक्सिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड गेन्ड बाय सिलेंडर है ना बेटा कितना स्पीड गेन कर पाएगा अधिक से अधिक करो करो बच्चा हाँ बेटा सिलेंडर सॉलिड है हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता उससे मैक्सिमम स्पीड गेंड मैक्सिमम स्पीड गेंड बाय द सिलेंडर मैक्सिमम कितना स्पीड गेन करेगा बेटा Thank you. କରୋ ବଚ୍ଚା କରୁ करो बच्चा करो विद्यानिवास साहिल हर्षद हो गया बच्चा देखो मैं करता हूं बेटा जब सिलेंडर नीचे आएगा जब सिलेंडर नीचे आएगा बेटा तो इस पे नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो है ना इस पे नीचे फोर्स लगेगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो है ना बेटा ठीक और देखो ये पूरा जो लिक्विड होगा बेटा ये लिक्विड चारों तरफ से इसके ऊपर अप्लाई करेगा विस्कस फोर्स है ना बेटा ठीक है अब सोचो अगर मैं कहूं बेटा कि सिलेंडर को ऊपर से देखो ऊपर से तो ऊपर से देखोगे बेटा तो तुमको यू दिखेगा देखो बोलो ऐसा दिखेगा ना बेटा बताओ है ना और कहोगे ये सिलेंडर अंदर वाले सिलेंडर में से है ना बेटा अंदर जा रहा है अंदर इसकी वेलोसिटी अंदर की ओर जा रही है बेटा है ना तो देखो इन सब पॉइंट पे लगेगा ना विस्कस फोर्स बताओ है ना बेटा तो देखो ये पूरा सरफेस अगर मूव कर रहा होगा तो एक कर्व सरफेस पे आएगा बेटा फोर्स है ना इसका मतलब एरिया जो कांटेक्ट में है वो कितना है तो कहोगे 2 पाई आर एल कितना हो गया 2 पाई आर आर कितना तो कहोगे सौ मिलीमीटर है ना बेटा लेंथ बीस सेंटीमीटर 20 इंटू टेन पावर माइनस टू ठीक है बेटा कितना हो जाएगा देखो तो 2 पाई इंटू टू ये हो गया बेटा 4 पाई इंटू टेन टू दावर माइनस टू मीटर स्क्वायर है ना बेटा ठीक है बात समझा ना बेटा है ना अब सोचो अब इसका मैं कहूं वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना बेटा तो मान लो कि जब इसकी वेलोसिटी वी रही होगी जब इसकी वेलोसिटी वी रही है तो यहाँ जीरो है बेटा क्या कहोगे वी माइनस जीरो बाई देख बच्चा डायमीटर में डिफरेंस चार मिलीमीटर का है है ना इसका मतलब रेडियस में डिफरेंस जो होगा बेटा ये दो मिलीमीटर का होगा इसका मतलब टू इंटू टेन पावर माइनस थ्री इसका मतलब बेटा भी बाई टू इंटू टेन टू दावर थ्री ठीक है अब कहेंगे कितना लगेगा वो लगेगा ईटा ए dv बी अपॉन डी वाई नेगेटिव साइन कितना हो गया बच्चा ये टू पॉइ तो जीरो पॉइंट टू एरिया उठ करो यहां से ये हो गया बेटा फोर पाई इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू है ना बेटा डीवी अपॉन डी वाई यहां से बुट करो बी बाई टू इंटू टेन पावर थ्री बोलो बच्चा ठीक है ना तो कितना हो गया देखो बेटा फोर पाई से टू कैंसिल कर लो पॉइंट टू ये और ये खत्म तो कितना हो गया ये ये हो गया बच्चा फोर पाई वी बोलो बेटा फोर पाई वी इतना लगेगा बेटा फोर्स है ना अब क्या क्या हो गया अगर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई है ना बेटा तो एक्सेलरेशन जीरो अगर जीरो एक्सेलरेशन, इसका मतलब बेटा विस्कस फोर्स इक्वल टू एम जी है ना एम जी कितना है बताओ बीस किलोग्राम मास था बेटा तो ये हो गया दो सौ न्यूटन इसका मतलब जो वी होगा बेटा ये हो जाएगा फिफ्टी बाई पाई फिफ्टी बाई पाई मीटर पर सेकेंड समझा ना ठीक 16, 15, 16 मीटर पर सेकेंड के आसपास 15 या 16 मीटर पर सेकंड के आसपास बेटा ठीक है आसे विशेष बोलो तुम सर वी, सर वी में सर वी मैक्स करके उसके आगे क्या करा है सर वी मैक्सिमम करके वो एक्सप्रेशन जो जीरो हुआ है बेटा बोल तो ये विस्कस फोर्स जो है बेटा ये इसके नीचे आने का हेल्प कर रहा है कि विरोध कर रहा है विरोध क्या कर, कर रहा है क्या कर रहा है विरोध, विरोध कर, कर रहा है बेटा हां जी इधर फोर्स लग रहा है ये ऊपर की तरफ जब मैंने रिलीज किया था उस समय कितनी थी वेलोसिटी जीरो यस yes, सर तो शुरुआत में कितना रहा होगा फोर्स जीरो लेकिन बेटा जैसे ही ऐसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बिस्कस फोर्स बढ़ेगा ना बेटा बोलो हाँ जी इसके मतलब बेटा बढ़ता हुआ फोर्स है हाँ जी इसका मतलब कभी ना कभी तो ये बैलेंस कर लेगा ना एमजी को बेटा हाँ जी

लेकिन एसएचएम है ना डैम्पिंग डैम्पिंग में नहीं डैम्पिंग वगैरह में नहीं ऐसा संस्कार बोलो बेटा सर जैसे अगर एसएचएम में स्प्रिंग मास सिस्टम है हाँ। तो अगर उसमें से अगर कोई मास को हटा दे वो ऑसिलेट करते हुए मास को हटा दे तो फिर वो हाँ? स्प्रिंग रुक जाएगा या फिर वो ऑसिलेट करते रहेगा मतलब मास हटा लोगे है ना यस सर बीस से स्प्रिंग तो मास है क्या किस स्प्रिंग लाइट है लाइट स्प्रिंग तो रुक जाएगा रुक yeah. जाएगा हम्म थैंक यू सर ओके इनर्सी आई नहीं बेटा उसमें यस गोपाल हेलो सर पिछले टेस्ट में क्वेश्चन आया था सर वो बहुत दिन से पूछना था लेकिन रह गया था क्या मैं पूछ सकता हूँ अभी बोलो क्या सर वो क्वेश्चन था अ हैवी होमोजेनियस सिलेंडर ऑफ मास रेडियस आर इज एक्सिलेटेड बाई होरिजोटल व्हिच इज अप्लाइड थ्रू अ रोप वुड अराउंड अ लाइट सिलेंडर ऑफ रेडियस आर स्मॉल आर अटैच्ड टू दिलेंडर इज सफिशंट फॉर दिल सिलेंडर टू रोल विदाउट स्लिपिंग तो सर इसमें ऑप्शन बी था

ये सर 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 तो 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 बच्चा बनाओ लिखो नहीं ऐसे कैसे बता पाएंगे बेटा मतलब मतलब फ्रिक्शन अगर अपोजिट साइड्स में भी लिए हमने तो फिर आंसर तो सेम आता है लेकिन हुँ. इसमें सिर्फ बी ऑप्शन दिया, दिया है डी नहीं दिया मतलब दोनों आंसर सेम है तो मैंने दोनों को टिक किया था लेकिन उसमें ऑप्शन डी करेक्ट नहीं बताया है, टेस्ट Okay, सेम नहीं हो सकता दोनों ना बेटा okay. देख बच्चा अब डिस्कस करें होमवर्क कोई याद दिलाओ क्या दिया हुआ था हाँ गौतम ब्रिक्स एंड फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है कोई बता बेटा होमवर्क क्या दिया हुआ था एक्सरसाइज वन ऑल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है ना निकालो सीट निकालो एक्सरसाइज टू पार्ट वन वन टू टेन ठीक है बेटा सीट लो बच्चों नहीं रे अभी कहा खत्म कल खत्म हो जाएगा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा ये निकालो बेटा पार्ट वन का सेक्शन एफ तक हो गया था डिस्कस ये पार्ट टू है तो है पार्ट वन में आओ पार्ट वन में सेक्शन एफ नहीं हुआ डिस्कस पार्ट वन में हो गया था डिस्कस ना सेक्शन जी में कोई डाउट जी में कोई डाउट नैन को पूछना है जीवन इन फोर्सिलेशन ऑफ पार्टिकल बेटा ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल जब फोर्स फोर्सिलेशन में हो है ना तो देखो बेटा जब फोर्स फोर्सिलेशन में होगा ऑफ इज मैक्सिमम फॉर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ ओमेगा वन ऑफ द फोर्स जब इनर्जी मैक्सिमम होगा बेटा है ना और एम्प्लीट्यूड मैक्सिमम होगा सेम टाइम पे बच्चा ना दोनों ओमेगा टू सेम हो गया बेटा जी टू

बोलो बोलो के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बाय 4 एम स्क्वायर इतना रे बोलो फोर्स ऑसिलेशन में सॉरी डैम्पिंग वाला ऑसिलेशन में थाना बेटा मामला यही है ना फार्मूला लगावा जाएगा ओमेगा आ जाएगा तो फिर टाइम पीरियड निकाल लोगे 2 पाई बाय ओमेगा डश आना बेटा बी का था टाइम टेकन फॉर द एम्पलीट्यूड एवरेजन

इसका मतलब एम्पलीट्यूट वन बाई रूट टू हो गया ठीक है आगे चलो पार्ट टू में आ जाओ देव एनर्जी जो होता है बेटा एम्प्लीट्यूट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है है ना पार्ट टू में आ जाओ पार्ट टू का भी एफ हो चुका था जी में आओ जीवन हो गया नैन को जी पूछना है देखो भाई जी में डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आर बदमाश एफ इक्वल टू के इंटू वी बी इंटू वी बी का निकालना यूनिट ये न्यूटन है ये मीटर पर सेकेंड है तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर और न्यूटन क्या होता है के मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है अरे है ना इसको पुट करो यहाँ पे देव को पूछना है बी सिक्स ये तो करा चुके हैं बेटा फिर क्यों पूछ रहे हो बी सिक्स देखो वेन एट डिस्टेंस रूट थ्री बाई टू तो क्वेश्चन कराया क्लास में देखो क्लास में क्लास में देख बच्चा अच्छा बताता हूँ बताता हूँ देखो देख बेटा कहता है कि कहता है बेटा अगर एम्पली ए में है और इतने एंप्लीच्यूट पे भी है इतनी दूरी पे है है ना तो इसकी वेलोसिटी कितनी है अभी टू ओमेगा रूट ओवर हर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट करो ए स्क्वायर माइनस रूट थ्री ए बाई टू का स्क्वायर ये आ जाएगा ओमेगा ए बाई टू ठीक है अब कहता है गेट्स इंक्रीज्ड बाई अमाउंट इतना इसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया इतना से है ना तो नया एम्प्लीट्यूड क्या होगा ठीक है बच्चा तो देखो पहले हमारी कितनी थी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पहले हमारी थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो बेटा होता है ना ठीक है तो कितना हो जाएगा ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर बाई फोर तो ये हो गया बेटा वन बाई एट एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है ना ठीक है और अब कितनी एनर्जी हो गई तो कहता है इतनी एनर्जी इसमें ऐड कर दो इतनी एनर्जी इसमें ऐड करो तो ऐड करो कितना हो जाएगा वन बाई एट थ्री बाई फोर बाई एट तो फाइव बाई एट एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और बेटा है ना अब कहता है कि मान ले अगर इसका एम्पलीट्यूड नहीं बदल गया अब इसका अगर बेटा एम्पलीट्यूड बदल गया तो अब एनर्जी कितनी होनी चाहिए अब होना चाहिए हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए वन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बोलो बेटा ए वन हो गया न्यू एम्पलीट्यूड तो क्या लिख दोगे फाइव बाई एट एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स कहाँ पे जहां पार्टिकल था बेटा वहीं पे इस निष्प्रा स्पीड तो फिर से पुट करो और रूट थ्री ए बाई टू का स्क्वायर और ए वन निकाल लो सिंपल है ना अब जब एक्सरसाइज टू में आपने वेलोसिटी क्यों निकाली हाँ बेकार हो गया वो ये निकालना बेकार हो गया कोई काम का नहीं है वो इससे ही करो एक्सरसाइज टू पार्ट वन में आओ एक्सरसाइज टू पार्ट वन में पहला सवाल देख बेटा पहला सवाल कहता है मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन क्या होना चाहिए कि ब्लॉक और पिस्टन अलग हो जाएगा है ना तो बता बेटा ये मास ऑसिलेट कर रहा है ना ऐसे 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 है ना ए बी इसको सी है ना तो बोलते बेटा अगर ये मांस छोड़ के भागेगा पिस्टन से अलग होगा तो किधर चांस अलग होने का है ए बी के बीच में है ना या ए सी के बीच में बोलते बेटा मांस को छोड़ने का चांस कहां बनता है मीन से ऊपर या मीन से नीचे बोलो बच्चा देख बेटा एक्सिलेशन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का उल्टा होता है ना बेटा तो समझ इसके अगर ऊपर वाले पॉइंट की बात करोगे तो कहोगे बेटा ऊपर वाले पॉइंट पे एक्सीन नीचे की तरफ होगा बेटा बोलो और नीचे वाले पॉइंट पे एक्सीन ऊपर की तरफ होगा बोलो है ना बच्चा ठीक है तो जब इसका एक्सिलेशन नीचे की तरफ होगा बेटा तभी नॉर्मल कब होगा बताओ हो। अगर ऊपर की तरफ हो गया बेटा एक्सेलरेशन तब तो नॉर्मल से बड़ा हो जाएगा तब तो कभी छूटेगा ही नहीं बेटा बोलो बात ना तो कहता है बेटा छोड़ना चाहिए तो क्या बोलेंगे ऊपर वाले किसी भी पॉइंट पे यहां से कोई ऊपर वाला पॉइंट पे जब आएगा यहां पहुंचेगा तो इसका एक्सिलेशन बोलोगे ना ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलो बेटा और नीचे हमारा होगा क्या बेटा एम जी बोलो ठीक है तो क्या कहोगे टू लीव कांटेक्ट अगर कांटेक्ट छोड़ने वाला होगा तो नॉर्मल जीरो हो जाएगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा मतलब बेटा एम बराबर एम इन ए हो जाएगा बेटा एम कैंसिल बोलो बेटा एम कैंसिल हो गया हमारा इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी बाई ओमेगा स्क्वायर है ना तो ओमेगा कितना होगा बोलो टाइम पीरियड दिया था वन सेकेंड तो ओमेगा हो जाएगा टू पाई बाई टी मतलब टू पाई है ना बेटा तो ये कितना हो जाएगा जी हो गया टेन और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा बेटा फोर पाई स्क्वायर है ना ठीक है इसका मतलब पाई स्क्वायर का वैल्यू होता है टेन के अप्रोक्स पाई स्क्वायर की वैल्यू टेन के अप्रोक्स हो जाएगा जीरो पॉइंट टू फाइव बोल बेटा अगर डिस्प्लेसमेंट इतना है तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चा उठा ही ना होगा बेटा तो क्या होना चाहिए टू पॉइंट टू पॉइंट टू फाइव मीटर से बड़ा तो मिनिमम के लिए क्या कहोगे ए ऑप्शन आगे चलो टू पूछना है डेल को देखो भाई टू में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास एम,

माइनस डेल्यू बाई डेलेक्स तो हो गया माइनस यू नॉट जीरो माइनस कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस ए साइन एक्स है ना बेटा तो जाएगा माइनस यू नॉट ए इंटू साइन एक्स है ना बेटा सवाल में दिया हुआ था कि एक्स बहुत छोटा है जब एक्स बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा माना जाएगा बेटा तो उस कंडीशन में फोर्स क्या बन जाएगा बोलो माइनस यू नॉट है ना बेटा एंगल छोटा होता है तो क्या होता है साइन माइनस यू नॉट ए स्क्वायर इनटू एक्स है ना बेटा तो एक्सीलरेशन तो क्या लिख दोगे फोर्स बाय मास इसका मतलब माइनस यू नॉट ए स्क्वायर बाय एम इंटू एक्स है ना बेटा अब यही ना हो गया कांस्टेंट टर्म तो ओमेगा स्क्वायर बराबर यू नॉट ए स्क्वायर बाय एम अब निकाल लो टाइम पीरियड ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री फोर फाइव सब पूछेगा रे देखो ए सॉलिड बॉल ऑफ मास इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट एच ऑन ए पैन सस्पेंडेड ऑन ए पैन सस्पेंडेड थ्रू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इफ द बोल्ट डज नॉट रिबाउंड रिबाउंड नहीं करता है पेन मासलेस है तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा ठीक है बेटा कहता है h हाइट से मास को गिराया तो बोलो बेटा जब मास आके चिपकेगा इससे जिससे मास आके चिपकेगा बेटा इससे है ना उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है तो h हाइट से आया ना बेटा तो ये होना चाहिए रूट टू जी एच बोलो ठीक है अब देखो यहां से अगर ये मास है और नेचुअल है तो बताओ बेटा अभी का डायग्राम जो दिख रहा है तुम्हें वो मीन पोजीशन है या नहीं मीन पोजीशन है या नहीं नहीं बच्चा पहले तो ये नेचुअल लेंथ में था ना बेटा है ना मीन कहां पे होगा तो कहोगे मीन थोड़ा सा नीचे होगा बोलो मीन यहाँ से थोड़ा नीचे होगा है ना ताकि के एक्स बराबर एम जी हो तो एक्स बराबर एम जी के हो बोलो बेटा ये होगा मीन पोजीशन है ना तो देख बेटा अगर मीन ये है और ये वेलोसिटी जीरो नहीं है बेटा इसका मतलब इसका एक्सट्रीम पोजीशन थोड़ा सा और ऊपर होना चाहिए बोलो बोलो होना चाहिए बोलो बेटा ठीक है ना तो क्या कहेंगे अभी के डायग्राम देखो अभी के डायग्राम देख क्या बोलोगे बेटा कि मीन पोजीशन से इस एक्स वाली दूरी पर ये वाली वेलोसिटी है है ना तो कितना हो जाएगा बेटा बी बराबर ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी कितना हो गया बेटा रूट टू जी एच स्प्रिंग मास सिस्टम का ओमेगा क्या होता है स्क्वायर रूट के बाई एम. और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स कितना है बेटा एम जी बाई के का स्क्वायर तो निकाल ले बच्चा एम्पलीट्यूड ठीक है अब चार नंबर देखो देखो चार नंबर में है तो टू प्लेट्स ऑफ सेम मास टू तो प्लेट्स ऑफ सेम मास आर अटैच्ड रिजिडली

कहता है इसको और कितना कंप्रेस कर दोगे तो चलो मान लिया यहां तक ले आए बोलो बेटा इसको यहां तक ले आए मतलब मान लो इसको और कंप्रेस कर दिया वाई वन। है ना बेटा ठीक है अगर यहां से छोड़ा तो ऊपर बाउंस करेगा ऊपर बाउंस करेगा तो देख बेटा ये जो नेचुरल लेंथ का पोजीशन है है ना ये मास जब यहां तक आएगा ये मास जब यहां तक आएगा बेटा है ना अब तक स्प्रिंग में इलांगन नहीं आया है बेटा समझे ना बात को अब तक हमारा बेटा स्प्रिंग में इलांगन नहीं आया है है ना ठीक है अब सोचो अब जब स्प्रिंग इस और इससे भागेगा ऊपर है ना बेटा इतना ऊपर भाग जाएगा इतना ऊपर भाग जाएगा बेटा है न कि इसकी लंबाई एल प्लस मान लेते हैं एक्स हो जाएगी है ना बेटा अब जाकर के ये स्प्रिंग जो होगा बेटा है ना अब जाकर के ये स्प्रिंग ऐसे खींचेगा ए फोर्स ऑफ केक्स और इसको ऊपर खींचेगा ए फोर्स ऑफ केक्स अब जाके कॉन्टेक्ट छोड़ना चाहेगा बेटा बोलो समझे ना अब ये छोड़ना चाहेगा बेटा कॉन्टेक्ट है ना तो देख बेटा अब अगर ये कॉन्टेक्ट छोड़ना चाहेगा है ना कब होगा जीरो बताओ तो कहोगे यहां से होगा बेटा नॉर्मल यहां से होगा एम है ना तो क्या लिखोगे बेटा लिखोगे टू लीव कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट छोड़ने के लिए नॉर्मल जीरो होना चाहिए बेटा के एक्स बराबर एम जी होना चाहिए इसका मतलब एक्स बराबर एम जी बाई के होना चाहिए बोलो समझा बेटा बात समझा ना तो देखो यहां तक पहुंच जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा ये छोड़ देगा कॉन्टेक्ट है ना बेटा तो अब तुम इनिशियल इसको मानो और फाइनली इसको मानो है ना बेटा और यहां से यहां एनर्जी कंजर्व कर लो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो ठीक है बेटा क्या कह देगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स बराबर डेल्टा के वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mg अब देखो कितना ऊपर गया ये कितना ऊपर गया तो y वाई, y1 वाई

है ना बेटा y1 y1 निकालना है बेटा बोलो क्योंकि x तुमको पता है और y तुमको पता है y1 निकाल लो सॉल्व करके इससे ठीक है चलो एक क्वेश्चन और करते हैं डिस्कस बाकी पांच कल करेंगे फिर पांचवा हो गया बेटा पांचवा भी डाउट है हाँ थोड़ा डिफिकल्ट एक्सरसाइज लग रहा है तुम लोग को ये देख बच्चा सवाल कहता है कि दो इस स्प्रिंग लगा हुआ है ना अटैच टू ए ब्लॉक ऑफ मास एम एस इन द फिगर ब्लॉक्स कैन स्लाइड स्मूथली अलोंग ए होरिजेंटल प्लेटफॉर्म क्लैम्प्ड ऑन द अपोजिट वॉल ऑफ द ट्रॉली ऑफ द मास कैपिटल एम है ना बेटा देख के बताओ तो क्या किसी में रोटेशनल मोशन भी है बच्चा बोलो बोलो दोनों मोशन में है ना बच्चा ट्रांसलेशनल बताओ इसमें कोई बॉडी बच्चा रोटेट नहीं करेगा व्हील छोड़ दो व्हील तो, तो बहुत छोटा ना होगा बेटा गाड़ी के मुकाबले में दोनों का बेटा लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा ना बच्चा ठीक है लीनियर मोशन होगा मतलब दोनों का ट्रांसलेशनल मोशन होगा है ना बेटा और जब ट्रांसलेशनल मोशन होगा बेटा तो तुम फिर बॉडीज को मान सकते हो पॉइंट मास एक बन गया इस मॉल एम और पूरी गाड़ी पूरी गाड़ी बन गई बेटा पॉइंट मास है ना ठीक अब जब ये दोनों पॉइंट मास बन गया तो ये हमारा स्प्रिंग जो होगा बेटा वो कैसे हो जाएगा ये दोनों स्प्रिंग हो जाएंगे पैरल तो इस पैरल स्प्रिंग का जो केडेस होगा बेटा वो क्या होगा केडेस बराबर ये हो जाएगा टू के बोलो होगा बेटा बात समझाना ठीक अब सोचो जब ये सिस्टम वो सिलेक्ट कर रहा है बेटा तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है ना तो जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है बेटा तो इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो रेस्ट में रहेगा बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बेटा वो रेस्ट में रहेगा बोलो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा है ना तो देख बेटा इधर की लंबाई को मैंने मान लिया L1 और ये लंबाई को मैंने मान लिया एल टू है ना तो बोलते बेटा L1 के एल टू क्या हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करो है ना ये पूरी लंबाई को एल मान लो पूरी लंबाई को मान लिया मैंने एल एलवन तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एम एल बाई एम प्लस एम एल टू हो जाएगा एम एल बाई एम प्लस एम है ना बच्चा अब ध्यान देना सब लोग ये सेंटर ऑफ मास जो है बेटा ये तो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा ना सेंटर ऑफ मास बिल्कुल मूव नहीं कर रहा बेटा इसका मतलब इसको फिक्स पॉइंट मान सकते हैं बेटा है ना और जब फिक्स पॉइंट है तो यू सोचो कि उस फिक्स पॉइंट से दो स्प्रिंग e के सारे दो मास लगा है है ना अगर मैं किसी एक की बात करूं, किसी एक तरफ की बात करूं, तो एक तरफ की बात करूं, तो कहोगे इधर हो जाएगा हमारा मास कैपिटल और ये हमारा है एल टू है ना? बताया तो बच्चा तुमको मैंने स्प्रिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ है ना इसका मतलब बेटा इसका जो स्प्रिंग इस कांस्टेंट होगा का के टू ये कितना हो जाएगा तो देखो मास कितना हुआ रेशियो मास का रेशियो एम प्लस एम बाई एम था ना बच्चा तो इसका उल्टा रेशियो हो जाएगा उल्टा रेसियो का मतलब टू के इंटू एम प्लस एम डिवाइड बाई एम है ना तो इस सिस्टम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा टू पाई स्क्वायर रूट के टू बाई कैपिटल एम इसका मतलब टू पाई स्क्वायर रूट एम एम बाई टू के एम प्लस एम ठीक है बच्चा ऑप्शन नंबर सी ठीक है समझा बच्चा अब चलो आगे देता हूं होमवर्क कल के होमवर्क में एक्सरसाइज वन का पार्ट थ्री कर लेना बेटा और एक्सरसाइज टू का पार्ट वन में कितना क्वेश्चन है कितना क्वेश्चन है देखो तो पंद्रह सवाल वाले बेटा खत्म ही कर लेना फिर इसको एक्सरसाइज टू पार्ट वन कंप्लीट ठीक है चलो बच्चा बाय इतना करके आना बेटा